शेतीची सध्याची परिस्थिती आव्हानात्मक असून मध्य भारतातही परिस्थिती वेगळी नाही. यावर मात करण्याची शक्यता अधिक आहे. विदर्भात मुबलक जंगले, सुपीक काळी माती, जलस्रोत आणि शेतीसाठी अनुकूल हवामानाचे वरदान लाभले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून चांगल्या स्मार्ट शेतीबद्दल शेतकऱ्यांना शिक्षित करणे, योग्य पीक पद्धतीची अंमलबजावणी करणे, शेतीतील नवीन मार्ग, शेतीशी संलग्न शेतीचे महत्त्व याविषयी अधिक ज्ञान असणे गरजेचे आहे. दुग्ध व्यवसाय, अन्न आणि फळ प्रक्रिया, शेळीपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन इत्यादी शेती आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी आणि फायदेशीर बनवण्यासाठी शेतीवरील अवलंबित्व कमी करणे, शेतकरी, उद्योग आणि सरकार यांच्यासाठी एक समान व्यासपीठ तयार करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे चांगले भविष्य घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील प्रत्येक महत्त्वाच्या घटकाला एकत्र आणण्यासाठी 2007 ॲग्रोव्हिजनची संकल्पना करण्यात आली. ॲग्रोव्हिजनने आपल्या वाटचालीची 14 पूर्ण केली असून आज 15वी ॲग्रोव्हिजन प्रदर्शनीचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रदर्शनीत अध्यक्षस्थानी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी होते तर कार्यक्रमाचे उद्घाटन मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यांनी केले. विदर्भात 10,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आणि शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी करण्याच्या आणि शेतकऱ्यांचा फायदा कसा होईल या चिंतेतून ॲग्रोव्हिजनची निर्मिती झाल्याचं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या भाषणात नमूद केलं. सोबतच त्यांनी सांगितलं की या 15व्या ॲग्रोव्हिजन प्रदर्शनीचा एक अजेंडा असून 40 विषयावर वर्कशॉप घेणार असल्याचं गडकरी म्हणाले. हमारा विदर्भ जो है वो विशेष रूप से पूरे दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि 10,000 से ज्यादा किसानों ने विदर्भ में आत्महत्या की और ये जो फार्मर सुसाइड्स हुई है इसके कारण हम सब लोगों को इसका दुख भी हुआ और दर्द भी हुआ और ये कैसे पूर्ण करें और इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है और किसानों को किस प्रकार से प्रशिक्षित करें और क्या क्या करना चाहिए इसी चिंतन से ही एग्रोविजन के कार्यक्रम की शुरुआत हुई. आज मुझे खुशी हुई है कि बड़े प्रमाण पर विदर्भ से ही नहीं, महाराष्ट्र से नहीं तो देश के किसान इस कृषि प्रदर्शन में आते हैं और यहाँ आने के बाद जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको देखते हैं और उसका अनुकरण अपने खेती में वो करते हैं और जिसके कारण उनके प्रगति और विकास में गति मिलती है. आज जो एजेंडा हमने आगे भविष्य के लिए निश्चित किया है उसमें से 40 विषयों पर संबंधित किसानों के वर्कशॉप भी यहाँ होने वाले हैं. मैं निश्चित रूप से सभी किसान भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग इसमें इंटरेस्ट लेकर समय दें, सब बातों को समझने की कोशिश करें और समझी हुई बातों का क्रियान्वयन वो अपने खेती में करें. जो विशेष रूप से हमने सबसे प्राथमिकता दी है जो विषय है उसके बारे में मैं आपके सामने इस एग्रोविजन की एजेंडे को प्रस्तुत कर रहा हूं. सबसे पहला विषय जो है मदर डेयरी का है और आज का ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद करीब 5,000 किसानों का वर्कशॉप ये मदर डेयरी पर होने वाला है. मदर डेयरी को जो काम महाराष्ट्र सरकार ने मदर डेयरी को दिया है उसमें बड़ी खुशी है मुझे कि मदर डेयरी ने 538 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नागपुर में करने के लिए एक बहुत बड़े मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की है. इसका काम भी शुरू हुआ है और ये विदर्भ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आज मदर डेयरी 5,00,000 लीटर दूध ले रही है और तेलंगखेड़ी में जो नागपुर दूध योजना थी वो जगह हमने मदर डेयरी को दी थी. वहाँ दही, छाछ, कुछ चीजें बनती हैं पर अब यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा और विशेष रूप से सब प्रकार की चीजें यहाँ बनेगी और इसमें से रसगुल्ला बनेगा, पनीर बनेगा, चीज बनेगा, दही बनेगा, श्रीखंड बनेगा और पूरे देश भर में ये नागपुर ये झुरोमाइल होने के कारण मदर डेयरी के प्रोडक्ट यहाँ से पूरे देश में भी वितरित होंगे
और दुनिया में एक्सपोर्ट करने का भी प्रयास होगा।